हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 टूल्स के बारे में जो एक फ्रीलांसर्स को हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए। इस वीडियो में जो भी मैं आपको टूल्स बताने जा रहा हूँ वो कोई भी अफिलेटेड मार्केटिंग की टूल्स नहीं है, या फिर मुझे वो भी उनसे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। ये सारे टूल मैं पर्सनली अपने आप के लिए यूज़ करता हूँ और मोस्ट ऑफ टूल फ्री है, इनके कोई प्राइसिंग नहीं लगते, तो आप भी इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो नंबर वन टूल इज़ कैलेंडली। मैं शायद इसका प्रोनंसिएशन गलत कर रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे इसका लोगो, लिंक एंड सब कुछ दिखा रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो टूल है आपको मीटिंग शेड्यूल करने के लिए काम में आता है। आप यहाँ से एक लिंक क्रिएट करके अपने कस्टमर को या अपने जो फ्यूचर जिन लोगों के साथ आपको मीटिंग करनी है, चाहे वो किसी और फ्रीलांसर के साथ या फिर किसी भी क्लाइंट के साथ, तो उसे लिंक सेंड कर सकते हैं। और जो भी आपने टाइम डिफाइन किया होता है, जो भी टाइम स्लॉट आपने डिफाइन किए होते हैं, आपका कस्टमर उनमें से एक टाइम स्लॉट को चूज़ करके आपके साथ एक मीटिंग बुक कर सकता है या मीटिंग को शेड्यूल कर सकता है। मुझे शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों वर्ड प्रोनाउंस करना आते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वन इज़ फॉर यूके इंग्लिश एंड वन इज़ फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश, सो आई नो अबाउट दैट, सो वहाँ पे कुछ कमेंट ना करें। उसके बाद जो सेकेंड टूल है एक फ्रीलांसर को हमेशा यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ गूगल शीट्स। गूगल शीट से क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपके कैलकुलेशंस है, किसी भी तरीके का डेटा है, आप उसे एक क्लाउड पे रख सकते हैं और उसे आप किसी को भी पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। प्लस वो एडिट, अगर आप उन्हें एडिट एक्सेस देना चाहें तो आप उन्हें एडिट के एक्सेस भी दे सकते हैं। गूगल शीट्स में ये हमेशा फ्री हैं और इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट शीट्स में आते हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ पे एक एडवांटेज भी आपको रहेगा कि ये एब्सोल्युटली फ्री है, प्लस आप इसे पब्लिकली शेयर भी कर सकते हैं और अलग अलग एक्सेस रोल भी अपने यूजर्स को दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड टूल आता है जो हमेशा एक फ्रीलांसर के पास होना चाहिए, दैट इज़ टॉप ट्रैकर। ये टूल आपको बेसिकली टाइम को रिकॉर्ड करने के काम आता है। मीन्स कि देखिए, आप किस चीज़ पे आपका कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो टूल है बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे आप अगर किसी फ्रीलांसर से भी सर्विस ले रहे हैं आवर्ली बेस पे, तो आप उन्हें एक प्रोजेक्ट करके क्रिएट करके उस पर इन्वाइट कर सकते हैं। जो भी वो फ्रीलांसर जितनी भी देर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो भी रिकॉर्ड होता रहेगा, उसने कितने माउस क्लिक किए, उसने कितने कीबोर्ड को हिट किया, और उसके स्क्रीनशॉट अगर आपने इनेबल कर रखे हैं और उस फ्रीलांसर ने अलाउ कर रखा है तो आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका टाइम है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस टूल के आपको जो बेनिफिट है वो आप ये भी है कि आप इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका वीक ख़त्म हो जाता है या जो भी आपकी बिलिंग प्राइजिंग है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप उस पर इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टूल की जो एक फ्रीलांसर के पास हमेशा होना चाहिए। सो वो जो फोर्थ टूल है, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, मिस्ट्रिस्टिक टास्क। इसका एक्चुअली एक पेड वर्जन भी है, बट मैंने कभी भी इसका पेड वर्जन नहीं यूज़ किया, मैं हमेशा फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ। और अगर आप चाहें तो मिस्ट्रिस्टिक टास्क, मैं इसका यहाँ पे लोगो एंड वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा। सो उसके बाद आप चाहें तो या तो आप ट्रेलो, जीरा, असाना, तो इस टाइप का भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मिस्ट्रिस्टिक टास्क एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, मैं पर्सनली इसे इसलिए यूज़ करता हूँ, जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ईजी है। कोई भी, इवन जब भी मैं किसी नॉन टेक्निकल क्लाइंट के साथ उस टूल को शेयर करता हूँ तो वो ज़्यादा बिना गुम हुए या मतलब बहुत ही ईजीली उस टूल को अडॉप्ट कर लेता है और वहाँ पे वो अपने टास्क असाइन कर सकता है। हमारी जो डेवलपर टीम है या मुझे अगर उसे कुछ टास्क असाइन करना है तो वो ईजीली असाइन कर सकता है। जो उसका लर्निंग कर्व है वो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा ट्रेलो एंड अदर ऑप्शंस आपके पास हमेशा है, आप उनमें से भी किसी टूल को यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मेक श्योर टू यूज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। इससे क्या होगा कि आपके जो भी टास्क लिस्ट है, आपने कितना काम किया, कितना काम करना बाकी है, आपको कितना टाइम लगा, कौन कौन सी दिक्कतें आपको आई, वो सब कुछ वहाँ पे क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन करके रख सकते हैं। उसके बाद जो फ्रीलांसर के पास जो फिफ्थ टूल है वो होना चाहिए, दैट इज फास्ट वन स्क्रीन कैप्चर या फास्ट वन स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लोगो और वेबसाइट का यूआरएल दे दूँगा। ये बेसिकली एक पेड, मतलब 30 डेज़ के लिए आपको
ट्रायल वर्जन मिलता है, उसके बाद आपको इसका एक पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। तो जब भी हम क्लाइंट को कुछ भी डिज़ाइन भेजते हैं या जो भी हमने हमारी लोकल मशीन पे हमारे डेस्कटॉप पे कुछ भी काम किया होता है वेबसाइट के अपडेट को लेके या वेबसाइट की डिज़ाइनिंग को लेके, या फिर अगर आपको क्लाइंट को एक छोटा सा भी ट्यूटोरियल बना के भेजना है, उसे बताना है कि इस मेन्यू में जाके इस जगह पे क्लिक करो, तो ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर जो भी आपने अपनी स्क्रीन पे स्नैपशॉट्स लिए हैं उनको एडिट भी कर सकते हैं, उन पर टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं या उनमें कुछ चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो ईजीली आप इस टूल का यूज़ करके कर सकते हैं। इससे आपके क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल जाती है, आप उसे जो समझाना चाहते हैं आप वो उसे विजुअली दिखा भी सकते हैं और ऑडियो के साथ साथ उसे समझा भी सकते हैं। इसके बाद आता है जो फिफ्थ, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है सिक्स्थ नंबर पे, जो एक फ्रीलांसर को हमेशा यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ द जोहो CRM। जोहो CRM का एक फ्री वर्जन मिलता है जहाँ पे आप, वहाँ पे एक लिमिट होती है, शायद आप 1000 जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनका डेटा स्टोर कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी बर्थ डेट, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड अदर जो भी उनकी डिटेल्स हैं आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐसे होता क्या है कि जब अगर आप क्लाइंट से हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं, अगर उनका कोई बर्थडे है, उनकी कोई एनिवर्सरी है, उनकी लाइफ का कोई मेन इवेंट है, अगर उनकी कोई, उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की थी उसकी कोई एनिवर्सरी है, तो ऐसे केस में आप इजीली वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें वो आप उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं और ये जो पूरा ऑटोमेशन का स्टफ़ है आप कर सकते हैं इस जोहो CRM का यूज़ करके। इसका जो फ्री वर्जन है मैं उसके लिए रिकमेंडेड करूँगा, मैंने पेड वर्जन कभी इसका यूज़ नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है पेड वर्जन के बारे में, या फिर अगर आप जोहो CRM नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये सारी चीज़ें हमेशा एक एक्सेल शीट पे भी मेंशन करके रख सकते हैं कि आपके क्लाइंट की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कौन सी हैं और उनके बर्थडे, एनिवर्सरीज या जो भी आपको डिटेल है, और जिससे आप उनसे फ्यूचर में कम्युनिकेट ईजीली कर पाएँ। जब हो सकता है कि कई बार आपके पास काम नहीं होता तो आपको क्या करना होता है कि आपके पुराने कस्टमर्स को ही पिंक करना होता है या उन्हें मैसेज ड्रॉप करना होता है कि क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो ऐसे केस में भी आपको बहुत सारा काम मिल सकता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मैं अपने पुराने क्लाइंट्स को ही पिंग करता हूँ इफ़ दे हैव एनी वर्क, तो वो मुझे उस टाइम पे काम दे देते हैं बिकॉज ऑफ माय पास्ट रिलेशनशिप विद देम, बिकॉज आई विश देम द दिवाली होली एंड मैं उनसे हमेशा एक कनेक्शन बनाए रखता हूँ, तो इसलिए वो मेरे जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा मेरे लिए वैल्यूएबल रहते हैं। उसके बाद एक फ्रीलांसर के पास हमेशा जो टूल होना चाहिए दैट इज़ द गूगल कैलेंडर। जो गूगल कैलेंडर है वो एब्सोल्युटली फ्री है, और इसके अलावा अगर आपको जो भी पसंद हो टूल, कैलेंडर टूल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपके पास लीड आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 1 मार्च को आपके पास लीड आई और उस टाइम आपसे क्लाइंट ने बात की और आप उसे बाद में भूल जाते हैं, पर अगर आपने एक इवेंट शेड्यूल कर रखा है कि 15 डेज़ के बाद मुझे इस क्लाइंट को रिमाइंड करवाना है या 15 डेज़ के बाद मुझे अपने सर्वर की नई होस्टिंग रिन्यू करवानी है या मुझे अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, या अगर आप बहुत लेट कोई भी मीटिंग शेड्यूल करना चाहें, तो आप अपने कैलेंडर टूल का यूज़ करके इस तरीके के सारे रिमाइंडर एंड इवेंट्स को फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद सही टाइम आने पे वो जो टूल है वो आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंड करवा देगा, जिससे कि जो आपके जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है वो आप मिस नहीं करेंगे। मैं कैलेंडर टूल का मोस्टली यूज़ तब करता हूँ कि जब भी कोई डोमेन एक्सपायर होने वाला होता है तो मैं उसकी डिटेल डाल देता हूँ, और कई बार मैं इन ईमेल्स को डिसेबल रखता हूँ, तो जब भी मुझे वो रिमाइंडर मिलता है उस टाइम पे मैं अपनी डोमेन या होस्टिंग वो रिन्यू करवा लेता हूँ। सो इस तरीके से मुझे जो कैलेंडर टूल है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फील होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमेशा एक फ्रीलांसर के पास होना चाहिए वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल में भी आपको बहुत सारे ओपन सोर्स एंड फ्री टूल भी मिल जाएंगे, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको बफर या हूटसुइट। ये दोनों फ्री टूल्स हैं, मतलब कि एक इनका जो फ्री प्लान है वो लिमिटेड फीचर्स के साथ फ्री है और हूटसुइट का भी फ्री प्लान है, तो आपका फ्री प्लान में से काम चल जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जो भी आपका कंटेंट है, उसकी पोस्टिंग आप एक शेड्यूल रख सकते हैं, या फिर आप एक ही जगह बफर से लॉगिन करते हुए लिंक्डइन एंड जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी पोस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट टूल है फ्रीलांसर्स के पास क्या क्या होना चाहिए, जो तो वो आता है फ्रेश बुक्स में क्या होता है कि ये ना एक फ्री अकाउंटिंग टूल है, फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका यूज़ आप जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए, चाहे आपने डोमेन ख़रीदा, SSL ख़रीदा, आपने कोई होस्टिंग ख़रीदी, तो वो सारे के सारे आपके जो भी बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली रिमाइंडर दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को पेमेंट करने के लिए, और आप इससे आपकी जो इनकम है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं साल के एंड में या महीने के एंड में। जब आप उन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल से चार्ट्स एंड डेटा मिल जाता है, और इसके थ्रू आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितने कमाए, कितने गवाए, और आपको कितने और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ये जो सारे टूल हैं, चाहे आप एक अकेले पर्सन हो, तो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं, आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको दिमाग में बहुत सारा चीज़ों को या डेटा को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं तो आपका जो मोस्ट ऑफ काम है वो ईजीली हो जाता है, एफर्टलेसली हो जाता है। सो मेक श्योर कि एज अ फ्रीलांसर इन टूल्स को हमेशा शेड्यूल यूज़ करें। अगर देखिए आप एक मीटिंग शेड्यूलर यूज़ नहीं करेंगे तो पहले तो आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आप मीटिंग में कितने बजे आएंगे, क्लाइंट बोलता है मैं 5 बजे फ्री हूँ, फिर आप कहते हैं नहीं मैं 6 बजे फ्री हूँ, फिर आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम 7 बजे आएंगे, एंड दोनों ही भूल जाते हैं, कई बार एक जना भूल जाता है। तो ऐसे केस में जब आप एक कैलेंडरली जैसे टूल का यूज़ करते हैं तो उस केस में वो आपको भी रिमाइंड करवाएगा एंड क्लाइंट को भी रिमाइंड करवाएगा। क्लाइंट के लिए भी एक टाइम शेड्यूल करना इजी होगा, और आपको भी पता होगा कि मेरे ये शेड्यूल स्लॉट्स फ्री है और उसमें से मैं एक मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ। सो मेक श्योर टू यूज़ ऑल दोज टूल्स। एंड हाँ, अगर मैंने किसी टाइप के टूल को मिस कर दिया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी जुड़ सकते हैं। मैं हर महीने के 5, 10, 15, 20, 25 और 30 तारीख को आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो आपको हमेशा इस चैनल पे भरपूर कंटेंट मिलेगा, उसे देखना ना भूलिए। धन्यवाद।